स्लाइस के एड में जो आप आम देखते हो वो असल में स्पंज होता है, और रोटी के एड में जो आप फूली हुई रोटी देखते हो इसके अंदर असल में बैलून होता है, और एड्स में जो आप पेस्ट्री देखते हो वो असल में कार्डबोर्ड है, और कैसे सूप पॉलिश से नॉनवेज एड को बनाया जाता है, और ऐसे ही और चीज जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, एडवर्टाइजमेंट में जो रोटी होती है उसके अंदर असल में बैलून होता है। नॉर्मली जब रोटी फूलती है तो उसके कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है, और रोटी नॉर्मल ना हो इसीलिए इस टाइप का बैलून रोटी के अंदर डाला जाता है। रोटी को बनाने के बाद उसके नीचे एक कट मारा जाता है, और फिर उसके अंदर बैलून डालकर उसे थोड़ा फुला दिया जाता है, जिससे फिर ऐसा लगता है कि रोटी फुली हुई है। नंबर टू, मैंगो जूस। मैंगो जूस के एड में जो असल में मैंगो होता है वो पूरा का पूरा नकली होता है, और जब वो कट होता है तो उसके अंदर वाले पार्ट को दिखाने के लिए स्पंज का यूज किया जाता है। माजा के एड में आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा। अगर आप मैंगो के साथ ऐसा करोगे तो रियल में ये होता है, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में ये बनाने के लिए असल में स्पंज का यूज किया गया था, और इसका भी रीजन यही है कि अगर रियल मैंगो का यूज किया जाएगा तो उसको भी बनाने में काफी समय लगेगा, इसीलिए यही करना सही है। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर थ्री, पेस्ट्री। ये पेस्ट्री केक टीवी में जितनी फ्लफी और बड़ी लगती है, लेकिन ये रियल में इतनी बड़ी होती ही नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने में कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें कि एक एक करके पेस्ट्री और कार्डबोर्ड को रखा जाता है, और कार्डबोर्ड के मोटे टुकड़े का यूज किया जाता है ताकि वो पेस्ट्री और भी बड़ी दिखाई दे, और फिर इनके बीच में क्रीम लगाई जाती है। ये जो क्रीम होती है ये असल में सेविंग क्रीम होती है, और इसमें जो केक होता है वो असल में ब्राउनी भी नहीं होता है, और इसे आप अगर गलती से टेस्ट भी करोगे तो आपको लगेगा कि आप पेपर खा रहे हो। नंबर फोर, फेक हीट। अगर एड में किसी चीज को बहुत ही ज्यादा गर्म या फिर ठंडा दिखाना है तो एड्स वाले असल में धुएं का इस्तेमाल करते हैं, और इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि खाना असल में बहुत ही गर्म या फिर बहुत ही ठंडा होगा, और ये धुआं असल में बस ड्राई आइस है। ड्राई आइस के एक छोटे से टुकड़े को डाला जाता है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और जब धुआं थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसे गर्म खाने में या फिर ठंडे कोल्ड ड्रिंक के पीछे लगा दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि खाना गर्म हो। पर खाना गर्म तो छोड़ो, कई बार तो खाना असली भी नहीं होता है। नंबर फाइव, इंस्टेंट नूडल। टीवी में जब इंस्टेंट नूडल को दिखाया जाता है तो उसकी क्वांटिटी को बहुत ही ज्यादा दिखाया जाता है, वो उसमें दो पैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा लगता है कि उसमें एक ही पैकेट है, और ऐसा बस नूडल्स के साथ ही नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा किया जाता है। इसी के साथ पैकेट को बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, लेकिन वो असल में खोखला होता है, और बड़े पैकेट को वो अलग से स्पेशली एड के लिए ही बनाते हैं। नंबर सिक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एड्स में जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देखते हो असल में अगर आप उसे खाओगे तो आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक या फिर मोल्ड से बनते हैं, और इन्हें फ्रेश और ताजा दिखाने के लिए इनके ऊपर ऐसे पानी का फुहारा मारा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, और कई बार इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर खास तरीके के लिक्विड पॉलिश का यूज किया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं। नंबर सेवन, नॉनवेज फूड्स। नॉन वेजिटेरियन के एड में ये जो चिकन दिखाया जाता है वो असल में पूरा कच्चा होता है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है जैसे कि वो पूरी तरीके से पका हुआ है, लेकिन असलियत में वो कच्चा होता है। उसके ऊपर पहले तो मसाला स्प्लट करते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर कॉफी या फिर किसी प्रकार का ब्राउन पेंट डाल देते हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये परफेक्टली कुक्ड है, लेकिन कई बार इसके ऊपर से सूप पॉलिश भी लगा दिया जाता है ताकि देखने में ये और भी ज्यादा अच्छा लगे। नंबर एट, नूडल्स। टीवी में आपने नूडल्स देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में नूडल्स ऐसे दिखते ही नहीं है। सबसे पहले नूडल्स की क्वांटिटी ज्यादा दिखाने के लिए उसे प्लेट में ऐसे रखा जाता है, पहले बीच में ऐसी कटोरी, फिर उसके ऊपर ऐसे नूडल्स, क्योंकि नॉर्मल नूडल्स कुछ ऐसे नहीं दिखते हैं, और उसी के साथ वो उतने ब्राइट भी नहीं होते हैं। एड्स वाले नूडल्स में सबसे पहले तो बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से एड्स में नूडल पे ये डाला जाता है, और ये एक प्रकार का सिरप है जो इसे शाइन देता है, और कई एड्स में तो सिरप की जगह ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।